आज हरियाणा पहुंचे देश के गृह मंत्री अमित शाह ने जमकर कांग्रेस सरकार पर हमला बोला और कांग्रेस सरकार के दौरान हुए दलितों पर अत्याचार व युवाओं के साथ हुई नाइंसाफी पर अपनी बात रखी। अमित शाह ने कहा, आज देश की सीमा पर खड़े नौजवानों में हर 10वां सैनिक हरियाणा का है। मैं उन वीर सपूतों की माताओं को आज नमन करता हूँ। सैनिकों की जो मांगे थी उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरा करने का काम किया है। अमित शाह ने राहुल गांधी पर हमला करते हुए कहा कि राहुल गांधी आरक्षण खत्म करने के पक्षधर हैं। इसकी सच्चाई अब सबके सामने आ चुकी है। गृह मंत्री अमित शाह टोहाना में भाजपा प्रत्याशी देवेंद्र बबली के पक्ष में प्रचार करने के लिए पहुंचे थे। ये हरियाणा हमारा वीर भूमि रहा है। इतनी बड़ी फौज में छोटे से हरियाणा से हर 10वां जवान हरियाणा की माए भेजती है अपने नौनिहाल को देश की सुरक्षा के लिए। और हम देश भर के लोग हरियाणा की मातृशक्ति को हमेशा प्रणाम करते हैं जो देश की सुरक्षा के लिए अपने नौनिहालों को भेजते हैं। भाइयों बहनों, 40-40 साल से मैं मोदी जी के साथ आया था 14 में रेवाड़ी में। 40-40 साल से जवान मांगते थे कि वन रैंक वन पेंशन होना चाहिए, मगर कांग्रेस के माथे पर जू नहीं रहती थी। आपने मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया 2014 में और 15 में मोदी जी ने वन रैंक वन पेंशन कर जवानों का सम्मान करने का काम। और आज इसका तीसरा संस्करण लागू हो चुका है। 3 बार वन रैंक वन पेंशन में बढ़ोतरी करने का काम मोदी जी ने किया है। चाहता हूं एक कांग्रेस पार्टी दलित विरोधी पार्टी। कांग्रेस पार्टी ने हरियाणा में, आज मैं हुडा जी को याद कराने आया हूं, ये राहुल बाबा को भी कहने आया हूं, 2005 का गोहना कांड हुआ, किसकी जिम्मेदारी? कांग्रेस की। 2010 में मिर्चपुर कांड हुआ, किसकी जिम्मेदारी? कांग्रेस की। और हमेशा कांग्रेस के शासन में नॉट फाउंड फॉर सुटेबल कर नौकरियों से आरक्षण के वंचित रखने का काम किया है। और हमेशा से दलित नेताओं का अपमान करने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया, चाहे डॉक्टर अशोक तंवर हो, चाहे बेन कुमारी सलजा हो, सबका अपमान कांग्रेस ने किया है। और आंबेडकर जी, जब तक कांग्रेस की सरकार नहीं गई, बाबा आंबेडकर को भारत रत्न नहीं मिला। और भारतीय जनता पार्टी ने 5 तीर्थ आंबेडकर जी के लिए बनाए और संविधान दिन मनाने की घोषणा की। अभी अभी राहुल गांधी अमेरिका में बोले हैं, उसके पहले खर्ची और पर्ची के बगैर नौकरी मिलती थी क्या? जरा जोर से बोलो, खर्ची और पर्ची के बगैर नौकरी मिलती थी क्या? भारतीय जनता पार्टी ने हजारों युवाओं को ना खर्ची ना पर्ची, घर पे पोस्टमैन आकर अपॉइंटमेंट देकर गया, ऐसे पारदर्शिता से भर्ती करने का काम किया।